नमस्कार दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने कुछ ठीक है नदियों के बारे में डिस्कस किया था जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ थी। तो आज के वीडियो में ठीक है जो नदियाँ बच चुकी थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो पिछले वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार मैं उन नदियों को क्रम से यहाँ पे को दिखा देता हूँ। ठीक है, लास्ट में आप लोग इसका क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे को जो नदी बनती थी ठीक है, ये बनती थी स्वर्णरेखा। देखिए, स्वर्णरेखा के ठीक दक्षिण में जो नदी बनती थी ठीक है, ये बनती थी ब्राह्मणी नदी। उसके बाद उसके दक्षिण में जो नदी बनती थी ठीक है, ये बनती थी महानदी। अगली जो नदी बनती थी ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका नाम था क्या? गोदावरी। देखिए, अब यह है कि गोदावरी की दो ठीक है सहायक नदियां हैं। एक है इनमें से पेन गंगा, और दूसरी जो सहायक नदी बनती है ठीक है, वो कुछ इस तरीके से चलती है, और इसका नाम है क्या? इंद्रावती। ठीक, ये सारी की सारी नदियाँ पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और इनके बारे में आप लोगों ने देखना है तो पहला वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो अगली नदी बनती है ये इधर महाराष्ट्र से जो स्टार्ट होती है ठीक है, ये है हमारी क्या? कृष्णा नदी। ठीक, कृष्णा नदी की सहायक नदी बनती है एक, ठीक, ये है आप लोगों की क्या? भीमा। इसकी एक दूसरी सहायक नदी बनती है जो इससे ठीक है दक्षिण से आगे मिलती है, ये है तुंगभद्रा। ठीक, बोलने का मतलब है दाहिनी ओर से मिलती है इसमें। ठीक है, देखिए नदियों का क्या होता है ना कि दाहिनी ओर से कौन सी नदी मिल रही है, बाई ओर से कौन सी नदी मिल रही है, ये आप लोग कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए कोई नदी है वो इधर की तरफ बह रही है इस तरीके से। ठीक है, तो अब देख लीजिए अपना फेस आप इधर की तरफ कर लीजिए, जिस दिशा में नदी बह रही है उस दिशा में अपना फेस करिए, और देखिए आपका दाहिना हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है। अगर मैं इधर की दिशा में अपना फेस करूंगा तो मेरा दाहिना नीचे से होगा, तो ये जो तुंगभद्रा है ये दाहिनी ओर से मिलती है। ठीक हो गया। तो देखिए, उसके बाद जो हमारी अगली नदी थी ये कुछ इस तरीके से निकल के यहाँ पे को मिलती थी, और ये कौन सी नदी थी? ये पेन्नार नदी थी। तो पेन्नार नदी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो है ठीक है, ये है हमारी क्या? पलार नदी। ठीक है, तो देखिए पलार नदी के बारे में कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट को जान लीजिए। देखिए, जो पलार नदी है ये कोलार जिले से निकलती है। ठीक, कहाँ से निकलती है? इसका जो उद्गम है ये क्या है? कोलार जिला। ठीक है, कोलार जिला, सॉरी, इसका जो उद्गम है वो क्या है? कोलार जिला है। और देखिए, एक फेमस सिटी है जो इस नदी के किनारे बसी है, ये कौन सी है? वेल्लोर। ठीक है, वेल्लोर ये इस नदी के तट पर बसा है, नदी तट पर। देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ना कि वेल्लोर कौन सी नदी के तट पे बसा है। ठीक है, कौन सी नदी के तट पे बसा है? ये पलार नदी के तट पे बसा है। ठीक है, देखिए उसके बाद अच्छा, इसमें कुछ, हाँ, इसकी जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां, ठीक, सहायक नदियां, अब देखिए दो जो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक है ठीक है ये कुछ इस तरीके से है। नहीं, एक मिनट रुकना, ये पलार, अच्छा एक मिनट रुकना, पलार की सहायक नदियाँ इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, मैं इनका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, पलार की सहायक नदियाँ हैं, एक है पोइनी, ठीक है पोइनी, और दूसरी है ठीक है ये है पेयार है, चेयार है, हाँ चेयार, पोइनी और चेय्यार। फिर अगली जो हमारी नदी है ठीक, वो ये है ठीक है, ये जो नदी बनती है हमारी ठीक है, ये है क्या? कावेरी नदी। ये दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे जो ठीक है लंबी नदी है। कावेरी जो है ना, देखिए कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है।
कावेरी का जो उद्गम होता है, ठीक है, कावेरी का उद्गम, ठीक है, उद्गम ये क्या है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी गिरी पहाड़ियाँ, ठीक, ये इधर पे को है क्या, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। देखिए ये वैसे तो ये जो नदी है, ठीक है, कावेरी, ये दो राज्यों में बहती है, दो राज्यों में, वो दो राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। लेकिन होता क्या है ना, देखिए कि वैसे तो ये दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, लेकिन जो इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, अपवाह क्षेत्र, ये तीन राज्यों में है, ठीक है। देखिए कर्नाटक में तो होगा ही होगा, कर्नाटक में इसका है 41% हिस्सा, ठीक है, और है तमिलनाडु में, कहाँ पे को है, तमिलनाडु में, ठीक, तमिलनाडु में इसका 56% हिस्सा है, और तीसरा बसता है इसका केरल में, जो अपवाह क्षेत्र है वो कहाँ पे को है, केरल में, केरल में इसका मात्र 3% हिस्सा है, ठीक है, इसके अपवाह क्षेत्र का। तो ये कुछ फैक्ट इसके बाद, ठीक है, इसके हैं। अब देखिए इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, किसकी, कावेरी की सहायक नदियां। अब इनको मैप में दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हौसपास हो जाएगा, तो मैं उनको दिखा नहीं रहा हूँ, और ऐसा कोई मैप में फिलअप करने को एग्जाम में आता भी नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि जैसे कावेरी है तो उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ हो गई लक्ष्मण तीर्थ, ठीक, लक्ष्मण तीर्थ एक ये है इसकी सहायक नदी, अगली जो इसकी सहायक नदी है वो है क्या, भवानी, भवानी, ठीक है, इसकी अगली सहायक नदी है काबिनी, ठीक, कौन सी होगी, काबिनी। अगली जो सहायक नदी है वो है अमरावती, अमरावती, ठीक, और है हेमवती, हेमवती। अगली जो सहायक नदी है वो है हेरंगी, ठीक है, हेरंगी, उसकी अगली जो सहायक नदी है वो है सिमसा, ठीक, सिमसा, और उसकी अगली जो सहायक नदी है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, अगली जो सहायक नदी है ये है अर्कावती, अर्कावती, ठीक है, ये इसकी क्या है, कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें देखिए ये जो सहायक नदियां हैं ना, सहायक नदियां तो आप लोग रट लेना, क्योंकि ये सहायक नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए काबिनी पूछ लिया किसकी सहायक नदी है, तो किसकी है, कावेरी की सहायक नदी है, ठीक, और वैसे ही ये हो गया लक्ष्मण तीर्थ हो गया, अमरावती हो गया, हेमवती हो गया, ठीक है, हेरंगी हो गया, सिमसा हो गया, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, इनको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा नदियों के बारे में। अब कोई स्टेट का एग्जाम है, ठीक है, उसमें स्टेट के बारे में एकदम डीप पूछ लिया तो वो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक। अब ये जो इसमें एक नदी है ना, देखिए कौन सी नदी, ये है कौन सी, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, ठीक है, भवानी नदी जो है ये तमिलनाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, भवानी क्या है, ये जो नदी है, ठीक है, ये तमिलनाडु की, नाडु की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी, ये भवानी, ठीक। और देखिए ये जो कावेरी नदी है इसमें जलप्रपात भी बनते हैं, कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं कावेरी में, प्रपात, ठीक है, कावेरी में दो जलप्रपात बनते हैं, एक तो शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम, और दूसरा जो जलप्रपात बनता है वो है होगेन कल, होगेन कल, ठीक है, ये दो क्या बनते हैं,
जलप्रपात बनते हैं, किसमें? ठीक है, कावेरी नदी में। तो देखिए, ये कावेरी नदी क्या है ना, ये एकमात्र नदी है, ठीक है, दक्षिण भारत की, जिसमें साल भर क्या रहता है, जल रहता है। और कावेरी नदी में साल भर जल क्यों रहता है, ठीक है? देखिए, उसका रीजन क्या है ना कि कावेरी में को जो जल मिलता है, मैंने आप लोगों को मानसून पढ़ाया था, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पश्चिमी मानसून, दोनों मानसून से क्या होता है, कावेरी नदी को जल मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि साल भर इसमें क्या होता है, जल बने रहता है, ये मतलब सूखती नहीं है। ये कावेरी क्या है, एकमात्र नदी है, कावेरी क्या है, ठीक है, कावेरी एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी किसकी, नदी दक्षिण भारत की, हाँ दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें साल भर क्या रहता है, जल रहता है, जिसमें, ठीक है, साल भर जल रहता है, जल रहता है, ठीक हो गया ना? तो ये कुछ फैक्ट थे। और कावेरी के बारे में, हाँ एक और फैक्ट है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, किसको, कावेरी को। चलिए उसके बाद देखिए कितनी नदियां हो गई, स्वर्ण रेखा, उसके जस्ट नीचे ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी के जस्ट नीचे क्या आ जाएगी, महानदी, उसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगी, गोदावरी, गोदावरी के जस्ट नीचे क्या आ जाएगी, दक्षिण में ये आ जाएगी कृष्णा, कृष्णा की दो सहायक नदियां हो गई, कौन कौन सी, एक हो गई भीमा और दूसरी क्या हो गई, तुंगभद्रा हो गई, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे कौन सी आ जाएगी, पेन्नार नदी आ जाएगी, ठीक है, और पेन्नार नदी के जस्ट, पिन्नार नदी के जस्ट नीचे आ जाएगी पलार नदी, ठीक हो गया, और पलार नदी के नीचे आ जाएगी कावेरी, कावेरी की सहायक नदियाँ ये लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, अमरावती, ठीक है, हेमवती, हेरंगी, सिमसा, ये सब क्या हो जाएगी, कावेरी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। और कावेरी को क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। और कावेरी में क्या रहता है, साल भर जल रहता है, इसका कारण क्या है, इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों मानसून से क्या होता है, जल मिलता रहता है, तो इस वजह से इसमें साल भर क्या होता है, जल बने रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली नदी है ये है कौन सी, ये देखिए, अच्छा ये तो ठीक है, ये इसकी एक सहायक नदी, चलो यहाँ पे को दिखा देते हैं, अमरावती, ये कावेरी की सहायक नदी हो गई। उसके बाद अगला हमारा क्या बनता है, अगली जो नदी है हमारी ये है, ठीक है, कौन सी, वेंगई नदी, ये कौन सी नदी है, वेंगई नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ पे को है, वेंगई नदी का, ठीक है, वेंगई, देखिए इसका जो उद्गम है, ठीक है, वेंगई नदी का जो उद्गम है ये होता है आप लोगों का क्या, बरुसनाथ पहाड़ियाँ, कहाँ पे को, बरुसनाथ पहाड़ियाँ। अब देखिए आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या है, आप लोगों ने ये पता करना है कि बरुसनाथ पहाड़ियाँ कहाँ पे को है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा वेंगई का उद्गम कहाँ पे को होता है, ठीक है। तो इसकी जो, चलो इसकी दो सहायक नदियाँ लिख लेते हैं, ठीक, सहायक नदियाँ, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी है, जयमंगली और, ठीक, जयमंगली और दूसरी कौन सी है, पापगनी, पापगनी, ठीक है, जयमंगली और पापगनी। उसके बाद जो हमारी अगली नदी है वो है, ठीक है, कौन सी, ताम्रपर्णी नदी। तो देखो ताम्रपर्णी नदी जो है इसका उद्गम है, ठीक है, ताम्रपर्णी का, हाँ ताम्रपर्णी, देखो ताम्रपर्णी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पे को है, यह है अगस्त मलाई चोटी, अगस्त मलाई, मलाई अगस्त मलाई चोटी, ठीक है, अगस्त मलाई चोटी। अभी देखिए जब मैं आप लोगों को, ठीक है, ये
पर्वतमालाओं के बारे में बताऊंगा, तो ये सारी जो चोटियां हैं ठीक है, बरुसनाथ पहाड़ियां, अगस्त्यमलाई, ये सारी हम लोग का उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा ठीक है, अगस्त्यमलाई चोटी। और ये गिरती कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। देखो ये है मन्नार की खाड़ी, इधर पे को देखना, ये जो है ना श्रीलंका और इंडिया के बीच में, इधर पे को ये होती है मन्नार की खाड़ी ठीक है। यहाँ पे को क्या है, यहाँ पे को है ये क्या, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ठीक। उद्गम कहाँ से होता है इसका, अगस्त्यमलाई पहाड़ियों से, और कहाँ जाके गिरती है, मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है ठीक हो गया। और लास्ट में बस इतनी नदी बची है, हाँ एक कावेरी की सहायक नदी थी, कौन सी है, अमरावती ठीक है। तो देखो अमरावती का, अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदी हो गई, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है ठीक है। इसके बारे में जो एक फैक्ट है वो ये है कि केरल और तमिलनाडु की क्या होती है, सीमा बनाती है, तमिलनाडु की सीमा बनाती है ठीक, केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। तो देखिए ये वो सारी की सारी नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं, ये सारी की सारी नदियां यहाँ गिरती है, कहाँ पे को, ये बंगाल की खाड़ी वाले रीजन पे ठीक है, कहाँ पे को गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं जो कहाँ गिरती हैं, अरब सागर की तरफ जाती हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये नदियों का जो क्रम है ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी की सारी नदियाँ आप लोगों को इस तरीके से याद हो जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं कहाँ की, दक्षिण भारत की। अब देखिए ना छोटी मोटी तो बहुत सारी नदियाँ होती है, लेकिन अब उतना ये मैप में दिखाया भी नहीं जा सकता है। हाँ जो पर्टिकुलरली स्टेट वाले जो हैं वो स्टेट वाली नदियों का देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए तो तमिलनाडु स्टेट का है तो तमिलनाडु स्टेट वाला देखिए, जो आंध्र प्रदेश वाला दे रहे हैं तो आंध्र प्रदेश वाला ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले पश्चिम बंगाल वाला देख लीजिए। तो वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ होती हैं उनको आप लोग रट लीजिए, बाकी ये जो हैं ये बेसिक नदियाँ हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना ही चाहिए। अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो अरब सागर में गिरती हैं उन नदियों के बारे में ठीक है। तो इन दो लेक्चर्स में, दो तीन लेक्चर्स में हमारा ये वाला जो टॉपिक होता है नदियों वाला वो कवर हो जाता है। हाँ सॉरी, इसके बाद हम लोगों का ऊपर की नदियाँ हैं जो उत्तर भारत की नदियाँ होती हैं, जैसे ठीक है सिंधु नदी हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, ये सारी जो नदियां होती हैं इन नदियों का तंत्र हम लोग पढ़ेंगे ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।